तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं एडी क्रिकेट न्यूज। तो इस साल का आईपीएल यूएई में खेला जाएगा और सभी टीम यूएई में जाकर क्वारंटीन भी हो गया है और कोई कोई टीम तो प्रैक्टिस करना भी शुरू कर दिया है। तो यूएई में सबसे बड़ा फैक्टर होने जा रहा है पिच फैक्टर। जैसे कि आप जानते हैं यूएई का मिट्टी रेत का मिट्टी और रेत का मिट्टी में सबसे बढ़िया स्पिन बॉल घूमता है और इसलिए इस साल के आईपीएल में सभी टीमों के पास बहुत ही बढ़िया बढ़िया स्पिन बॉलर से। तो आज मैं वही स्पिन बॉलर्स के बात करूंगा जो कि इस साल के आईपीएल में उनके टीमों के लिए बहुत ही इफेक्टिवल होने जा रहा है। तो सबसे पहला आता है इमरान ताहिर जो कि चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलता है। इनका एज 41 है लेकिन इनका पास पोटेंशियल और एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया है। तो इस साल ये बहुत कुछ कर सकता है चेन्नई के लिए। उसके बाद अगर बात किया जाए दिल्ली कैपिटल्स का, तो दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से आता है रविचंद्रन अश्विन। इस टीम में संदीप लामिछाने और अमित मिश्रा, इन दोनों के बावजूद भी मैं रविचंद्रन अश्विन को ही रखा हूं क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस भी है और बहुत ही बढ़िया बॉलिंग भी करता है। उसके बाद आता है राहुल चाहर जो कि मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलने वाला है और इस टीम में और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो राहुल चाहर के ऊपर ही नजर रहने वाला है मुंबई इंडियंस को। और ये इस टीम के एक लौता स्पिनर है जो कि इस साल के आईपीएल में खेलने वाला है, तो मुंबई फैंस का नजर इन पे ही रहने वाला है। उसके बाद आता है कुलदीप यादव जो कि केकेआर की तरफ से खेलता है और ये चाइनामैन स्पिनिंग बॉलर्स बहुत ही बढ़िया स्पिन बॉल करता है और केकेआर के लिए ये सबसे बड़ा की फैक्टर होने जा रहा है इस साल के आईपीएल में और केकेआर का ये स्ट्रेंथ भी हो सकता है इस साल। उसके बाद आता है मुजीबुर रहमान जो कि किंग्स इलेवन पंजाब की तरफ से खेलता है और ये खिलाड़ी एक अफगानी खिलाड़ी है जो कि बहुत बढ़िया स्पिन बॉल करता है और किंग्स इलेवन पंजाब के लिए ये खिलाड़ी इस साल बहुत ही विकेट ले सकता है इस साल के आईपीएल में। उसके बाद आता है मयंक मार्कांडे जो कि मुंबई से खरीदा गया है इस साल ही और ये राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलने वाला है इस साल के आईपीएल में और ये खिलाड़ी भी बहुत ही बढ़िया स्पिन बॉल करता है और इसीलिए राजस्थान का टीम मैनेजमेंट इनके ऊपर भरोसा दिखाने वाला है इस साल के आईपीएल में। उसके बाद आता है युजवेंद्र चहल जो कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाड़ी है और ये बहुत ही बढ़िया स्पिन बॉल करता है। जैसे कि आप जानते हैं बहुत सालों से ये अगर पाटा विकेट भी होता है तो ये बहुत ही बढ़िया स्पिन बॉल करता है और अगर स्पिनिंग पिच हुआ तो ये तो तबाही मचा दे सकता है। तो आरसीबी इनके ऊपर बहुत डिपेंड होने वाला है। और लास्टली आता है राशिद खान जो कि सनराइज हैदराबाद की तरफ से खेलता है, तो सनराइज हैदराबाद इनके ऊपर बहुत ही दाव खेलने वाला है इस साल के आईपीएल में और ये खिलाड़ी बहुत ही बढ़िया स्पिन बॉलर है और अगर ये खिलाड़ी इस साल के आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेता है वो कुछ हैरानी की बात नहीं होगी। आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आता है तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा और अगर ऐसी वीडियो और भी चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।